मतलब बात करने वाले क्वांटम कंप्यूटिंग बेस प्रोसेसर के बारे में क्या है, किस तरह से आपको अपने स्मार्टफोन में आगे चल के देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो कि आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है यह किस तरह से काम करता है और कितने नैनोमीटर तक यहाँ पर यह प्रोसेसर बन सकता है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग बेस प्रोसेसर क्या है, किस तरह से यह काम करेगा जी अपन। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कि आपको प्रोसेसर आपके स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलता है यह किस तरह से काम करता है, उसके बाद आप जान पाएंगे क्वांटम कंप्यूटिंग बेस प्रोसेसर किस तरह से यहाँ पर बनेगा और कैसे काम करेगा जी अपन। तो सिंपली जो कि इस समय आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, आपने सुना होगा 12 नैनोमीटर या फिर 11 नैनोमीटर या फिर आपको 8 नैनोमीटर देखने के लिए मिल जाता है या फिर 6 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर इस समय आपको अपने स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलता है जी अपन। तो सिंपली जो कि यह नैनोमीटर या ट्रांजिस्टर की साइज होती है, जो कि आपके प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जी अपन, जो कि आपका इतना बड़ा प्रोसेसर होता है उसमें लाखों हजारों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और इन ट्रांजिस्टर को यहाँ यदि मान लीजिए छोटा कर दिया जाए तो इतने ही जगह में आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिस्टर एडजस्ट हो जाएंगे, जिससे कि जो कि आपका काम होता है वह बहुत ही तेजी से होगा जी अपन। तो जितने कम नैनोमीटर का प्रोसेसर होता है उसके ट्रांजिस्टर की साइज उतने ही यहाँ पर ज़्यादा होती है, जिससे कि जो कि आपकी स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलती है जी अपन। यहाँ तक कि जो कि गूगल और IBM इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि यह काम कर रहे हैं 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर प्रोसेसर पर, जो कि बहुत ही जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा 6 महीने और 8 महीने और साल भर 2 साल के अंदर ही आपको यह प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड देखने के लिए मिलेगा जी। तो बात करते हैं ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है जी अपन। तो जो कि आपके प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर देखने के लिए मिलते हैं, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास होती है तो उसको यहाँ पर कंट्रोल करके रखा जाता है और जब काम होता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे गुजार दिया जाता है और जो कि आपका वैल्यू होता है वह बनता रहता है। इसमें आपको इंपल्सेस बनते रहते हैं 0 और 1, जो कि आपका कंप्यूटर होता है और स्मार्टफोन होता है यह सभी यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज को ओनली समझते हैं 0 और 1। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो इसमें से कुछ वैल्यू बनते हैं, जिससे कि जो कि आपका डिवाइस होता है उसे कम्युनिकेशन हो पाता है जी अपन। तो उसे आप बातचीत बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और यह प्रक्रिया जितनी ही फास्ट होगी उतनी ही तेजी से आप अपने डिवाइस से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, उतनी ही तेजी से वह रिस्पॉन्स करेगा जी अपन। तो ऐसे में जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो उसमें से यदि मान लीजिए हाई वोल्टेज पे रहेगा तो 1 और लो वोल्टेज पे रहेगा 0, कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो जो कि आपका इस समय प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको बिट देखने के लिए मिलता है जहाँ पर, यानी कि आपका जो कि वैल्यू होता है बिट में यहाँ पर डिपेंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हाई वोल्टेज रहेगा तो 1 होगा और लो वोल्टेज रहेगा कुछ इस तरह से यहाँ पर चलते रहते हैं वोल्टेज का जो कि यहाँ पर सर्कल होता है, तो सिंपली कुछ इसी तरह से यहाँ पर इंपल्सेस बनते रहते हैं जहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर का यही काम होता है, यदि मान लीजिए जो कि आपका ट्रांजिस्टर है 1 नैनोमीटर का यहाँ पर बना दिया जाए तो सिंपली जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्वांटम फिजिक्स के थ्रू दूसरे रास्ते से यहाँ पर टर्मिनल होकर दूसरी पार पहुँच जाएंगे, जिससे कि जो कि आपका मतलब होता है वह खत्म हो जाएगा जी अपन। तो सिंपली जो कि आपका मेन पर्पज होता है वही खत्म हो जाएगा, तो 1 नैनोमीटर का जो कि प्रोसेसर होता है वह बन तो सकता है लेकिन वर्क नहीं करेगा जी अपन। तो इसीलिए जो कि गूगल और IBM में इन्होंने ऑलरेडी कन्फर्म कर दिया कि यह काम कर रहे हैं 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर प्रोसेसर पर। क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड प्रोसेसर किस तरह से काम करेगा और कैसे आपके स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगा जी अपन। तो सिंपली जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड प्रोसेसर बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल किया जाएगा जी अपन। किसी भी आइटम का जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एक एटम होता है, हालांकि एटम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जी अपन। तो सिंपली इन्हीं को कंट्रोल किया जाएगा और इनकी मदद से आपका जो कि स्पीड होता है वो बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलेगा जी अपन। क्योंकि जो कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड प्रोसेसर बनेंगे इनकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है जी अपन, क्योंकि इसमें क्यूबिट का यूज किया जाएगा। जो कि आपका प्रोसेसर इसमें देखने के लिए मिलता है उसमें आपको बिट देखने के लिए मिलता है, एक ही टाइम पर एक ही वैल्यू हो सकता है, लेकिन आपका क्यूबिट में एक ही टाइम पर सेम टाइम पर दो वैल्यू यहाँ पर इनपुट कर सकता है, आउटपुट दे सकता है जी अपन। इससे जो कि आपका स्पीड होता है वह इंप्रूव हो जाएगा और जो कि आपके फोन की बैटरी लाइफ होती है वो भी ऑलमोस्ट इंप्रूव हो जाएगी जी अपन। तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड प्रोसेसर में जो कि क्यूबिट है इसकी वैल्यू किस तरह से डिफाइन की जाएगी जी अपन। तो जो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, वह सीधा है फिर टेढ़ा है या फिर मान लीजिए फोटॉन है तो उसका पोलराइजेशन कैसा है, वह यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है फिर वर्टिकल है, ये सभी मिल करके डिफाइंड करेंगे एक क्यूबिट की वैल्यू को, वह 0 होगा या फिर 1 होगा जी अपन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गेट है जो कि प्रोसेसर में आपने देखा होगा नाइपल गेट होते हैं, तो सिंपली यदि मान लीजिए उसमें आप 1, 2, 3 क्यूबिट कुछ इस तरह से यहाँ पर इधर से इनपुट देते हैं और सेम ही टाइम पर आपको आउटपुट देखने के लिए मिल जाता है, तो जो कि आपका रिजल्ट रहता है उसमें आपको परफेक्ट देखने के लिए मिलेगा जी अपन। यानी कि आपका काम भी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली जो कि आपका क्यूबिट होता है क्वांटम बेस्ड प्रोसेसर आपको देखने के लिए
मिलेगा, इसमें आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा और आपको यहाँ पर जो कि टाइम होता है वह भी बहुत ही कम लगेगा और जो कि आपकी स्मार्टफोन की बैटरी होती है वह भी इम्प्रूव हो जाएगी। क्वांटम प्रोसेसर को यूज करते हुए जितने भी काम आप इस समय इस स्मार्टफोन से नहीं कर पा रहे हैं आगे चल के आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइव ट्रैकिंग, इसके अलावा यहाँ पर जो कि कार होता है कार को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ऐसे काम होते हैं जो कि आप यहाँ पर नहीं कर पाते हैं आप अपने स्मार्टफोन से। इस समय आप आगे चल के 10 से 15 साल के अंदर यह प्रोसेसर आपको अपने स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगा और उस समय जो कि आपका स्मार्टफोन होता है यह भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर तो सिंपली हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड प्रोसेसर किस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो कि आपको इस समय प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है उसमें किस तरह से वर्क किया जाता है, कैसे वह काम करता है। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।